कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? शूटिंग इतने दिनों से चली है और अब अंतिम पड़ाव पे, अंतिम चरण में है। आई गेस बहुत काफ़ी सारे यादें हैं जो मतलब लेके जाएंगे हम वापस जब जाएंगे, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं शायद जो आपको भी याद आएगी, मुझे भी याद आएगी, और सेट की कई सारी चीज़ें जो याद आएंगी। कल पैकअप हो रहा है, अभी तो वो इमोशनल वाला फीलिंग जाग नहीं रहा है, कल तक आई होप सो मतलब वो जब जागे तो। पूजा जी, आप क्या यादें लेके जाने वाली हैं? एक्चुअली आप एज अ ह्यूमन बीइंग जब इतने सारे लोगों के साथ काम करते हैं तो ऑब्वियसली एक महीना या 20 दिन आप जितने लोगों के साथ रहते हैं ऑब्वियसली मतलब एक आदत हो जाती है सेट पे सुबह रोज़ रोज़ जाना, सेम लोगों को देखना, सेम लोगों के साथ काम करना, तो ऑब्वियसली इंसान मूवीज़ में जो मतलब सेट चलता है या कैमरा होता है या लोग जो हम रोज़ रोज़ देखते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ कट ऑफ हो जाती है। एक बात करें जो है कि जैसे इनका नाम है ऋषभ कश्यप, गोलू के नाम से ज़्यादा फेमस है, और जब आपके सामने बोला गया होगा कि हीरो का हीरो है उनका नाम क्या है, आपने पूछा होगा, जब बोला होगा गोलू नाम है तो आपने क्या रिएक्ट किया? नहीं, मुझे एक्चुअली केडी सर ने बोला था तो उन्होंने गोलू नहीं बोला था, उन्होंने ऋषभ ही बोला था। उन्होंने बोला था कि हीरो जो है वो ऋषभ करके एक पर्सन है, बहुत फेमस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और तब मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली। और उसके बाद फिर जब उन्होंने वापस मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि निरोवा रिक्शा वाला जो पिक्चर है उसमें उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है, तो या देन पता चला कि हाँ ही इज़ द पर्सन। और उसके बाद वो बड़े 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 मतलब इतने छोटी उम्र से काम कर रहे हैं और अभी तक काम कर रहे हैं, सो ही हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। गोलू नाम कैसा लगता है आपको? अच्छा है, वो इरिटेट होता है उस नाम से आई थिंक, बट नहीं, जो नाम आपको पहचान दे आई थिंक उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक नो डाउट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर मतलब डोंट गेट इरिटेटेड बिकॉज पर एक मतलब अब सोचिए ना, मतलब एक लंबे चौड़े दाढ़ी वाले लड़के को हम चिंटू बोलेंगे या छोटू बोलेंगे या पिंटू बोल देंगे, भले उसका नाम कुछ और हो, पुष्पेंद्र करके कुछ नाम हो, और तो थोड़ा सा चिड़ मेरे को अच्छा नाम दिया है मम्मी पापा ने भी, ऑडियंस ने जो नाम दिया वो तो पसंद है ही, पर लोगों को मेरे को लगता है बुलाना चाहिए उस नाम से जो मेरा सच में नाम है ऋषभ। पूजा जी, जब पहली बार आपने गोलू सुना तो क्या रिएक्ट था आपका? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बोलूँ, जब मेरे साथ इसका फर्स्ट सीन था, हम लोग मतलब हाँ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था एक दूसरे से, तो वो मेरे साइड पे खड़ा था एंड सीरियसली मुझे पता ही नहीं था कि वो पिक्चर का हीरो है, एंड देन सीरियसली दैट्स ऑनेस्ट रिप्लाई। एंड देन मैंने सोनू जी से पूछा, मैंने बोला ये हीरो है ना मूवी के, बिकॉज उनका सीन था मेरे साथ में, तो वो बोले हाँ, तो तब मुझे पता चला। और जब इनको सब गोलू गोलू बुलाने लगे तो मुझे आइडिया नहीं था कि इनको बुला रहे हैं, और उसके बाद जब एक दो दिन मैंने कंटिन्यू सुना तो तब आई केम टू नो कि हाँ इसी का नाम है। और जब गोलू को आपने देखा कि एकदम हैंडसम गबरू जवान, तो नहीं ठीक है, पर हैंडसम नहीं, क्या गबरू जवान, क्या बात है, नहीं ठीक है, मतलब वही मैं बोलूंगी कि अगर इंडस्ट्री कोई नाम आपको देती है तो एक्सेप्ट इट, एंजॉय इट, अच्छा लगता है। अगर 10 लोग मिलके आपको एक नाम से जानते हैं और अननोन पर्सन कोई आ रहा है और उसको पता चलता है कि 10 लोगों को ये एक नाम से मतलब इसको जानते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यू नो एक्सेप्ट दैट थिंग। चलते चलते जो है ढेर सारी बात भेल, जो है आगे भी बात करने का मौका मिली, अंत में दर्शक लोग से क्या कहे चाहो राजा के रानी के बारे में? दर्शक लोग से कहे के चाहो बहुत बहुत शुक्रिया, हमने के राजा रानी की जोड़ी के रहुआ पसंद करी, पिक्चर जाके देखी, हॉल में रहुआ लोग के बहुत पसंद आई। दिनकर जी डायरेक्ट कहले बाड़े, जौन डायरेक्टर रहले हमार निरहुआ रिक्शा वाला के, और बहुत अच्छा तरीका से पिक्चर बना था। और सुनो ससुर जी, काल रिलीज़ हो रहा बा मुंबई में, प्लीज़ 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 जाके सिनेमा घर में जाके पिक्चर के देखी और रिव्यू दी कि रवा लोग के पिक्चर कैसा लागल। धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑडियंस, और जैसे पहले प्यार किया है वैसे अब भी कीजिए। मुझे भोजपुरी अभी परफेक्टली नहीं आती है, बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम मेरे इंटरव्यू में मैं एकदम परफेक्ट भोजपुरी मैं आपको बताऊँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Planet Bhojpuri.